कोरोना वायरस से काफ़ी फर्क पड़ा है मंडी में, पब्लिक भी कम आ रही है और माल भी कम बिक रहा है, भीड़ भी बहुत कम है। दिल्ली वॉल पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। सब्जियों का भाव तो तेज ही है भैया, भीड़ वो मंडी को काफी फर्क पड़ा है बाजेस से। जगदीश, दुकानदार में बहुत फर्क आया है, पहले की गिरायकी में अभी की गिरायकी में बहुत दिन का बहुत अंतर आ चुका है। पहले लोग आते थे बोल के चले जाते थे, अब लोग बहुत कम आ रहे हैं, दिन भर हम ऐसे ही बैठे रहते हैं। पहले तो गिरायकी चलती रहती थी, अब सुबह शाम आते हैं बस लोग चले जाते हैं, और लोग ज़्यादा परहेज कर रहे हैं इन चीज़ों का। कुछ भाव वगैरह में नहीं, भाव वगैरह में कोई अंतर नहीं आया, लेकिन हाँ गिरायकी में फ़र्क आ चुका है। आपका नाम? राहुल पवार। कोरोना वायरस को देख के लोग सब्जी लेने भी कम आ रहे हैं, कोरोना वायरस इतना फैल चुका है कि हर जगह ब्लॉक हो रहे हैं, सब जगह रास्ते बंद हो रहे हैं, सब मॉल बंद हो गए, पिक्चर हॉल्स बंद हो गए, अजमेर में भी दरगाह में भी आना जाना कम हो गया है, आज ब्रह्मा मंदिर बंद हो गया, मतलब हर जगह वो चल रहा है। आज आप सब्जी मंडी आए हो, किस तरीके का हाल देखने को मिल रहा है? सब्जी मंडी में भी कमी है, भीड़ आज को ये इतनी ज़्यादा नहीं है, नहीं तो इतनी भीड़ लगी रहती है सब्जी मंडी के अंदर भी। आपका नाम? सावित्री बंसल। अब गिरायकी थोड़ी बहुत 19-20 तो होनी है, कर इससे लोगों को डर तो है, डर तो रहता ही है ना, और बाकी तो चल ही रहा है। क्या कोरोना कहते हैं, मगर ये इसमें तो ये एक ही बात है, प्याज लहसुन वगैरह ज़्यादा काम में लो, सबसे बड़ा 100 बीमारी दूर, और अदरक बस ये। हाँ हाँ, कितने टाइम से फ्री बैठे हो? मैं तो बस इतने टाइम होता है, और क्या करना है। रूपचंद सागला। कोरोना वायरस की वजह से सभी लोग बहुत परेशान हैं, और इसको लेके घर गृहस्थी पे भी बहुत इफेक्ट आया है, बाज़ार में महंगाई भी बहुत बढ़ गई है, और सभी स्कूलों में बच्चों की एजुकेशन पे भी इसका बहुत प्रभाव पड़ा है, और सारा सारी गृहस्थियों पे, सारे सामाजिक आर्थिक सभी व्यवस्थाओं पे बहुत फर्क। मैम, आज सब्जी मंडी आए हो, सब्जी मंडी किस तरह की खाली पड़ी है? सब्जी मंडी भी खाली पड़ी है, और सब्जियों की भी स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और सब्जियाँ फ्रेश भी नहीं आ रही हैं। आपका नाम? बीना सेठी। कोरोना के चक्कर में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया है, अब पब्लिक आ ही नहीं रही है, वो देखे भाई हम आए एक दूसरे के टच हो जाए तो कोरोना फैल जाए, इस चक्कर में भाव पे क्या फर्क पड़ा है? सब्जियों के भाव तो है बढ़ा है क्योंकि कम आ रही है सब्जियाँ, इस चक्कर में बढ़ रहा है, और बढ़िया माल तो बढ़िया के पैसे हैं तेज, और हल्का माल है सस्ता, कचरे के भाव तो लोग कचरा खाते हैं इसलिए भी बीमार होते हैं। आप कोरोना वायरस को लेते हुए क्या सेफ्टी रखते हैं? मैं साफ़ सुथरी छांट के रखती हूँ सब्जियाँ, हल्की रखती नहीं हूँ, ताकि कोई ग्राहक खाए ना तो दोबारा शिकायत नहीं करे। आपका नाम? सीता।